एक शब्द आया विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर जो बताया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो था एक राम के यहां। उसका तिरस्कार नहीं किया राम ने, ना दंडित नहीं किया राम ने उसको, एक बार भी नहीं कहा उस धोबी से कि तू सीता पर लांछन लगाता है। क्या राजा था वो, सुमंत्र, लखन, भरत, रिपुदमन, एक बार भी विचलित नहीं हुए। कहने लगे अगर कोई आवाम में से आवाज आई है ये सच है कि वो झूठा लांछन है, ये सच है कि वो मिथ्या आरोप है, एक बहुत बड़ा सच ये है कि वो बड़ी कोई मूढ़ता पैदा हुई है, आवाम में से कोई एक आवाज आई है, एक कोई स्वर निकला है, वो भी पिछवाड़े से, महलों के पीछे से। हमें साधन करनी होगी, साधना करनी होगी लक्ष्मण, बड़ी साधना करनी होगी। छोड़कर अपनी भाभी को जंगलों में, सीता से कहा हम दोनों को चुनना होगा, अपने लिए जिए या आवाम के लिए जिए, अपने लिए जिए अयोध्या के लिए जिए। धोबी कोई स्वर देता है, कोना फूसी करता है, धोबी कुछ कह रहा है। सीते मैं जानता हूं, पूरी प्रकृति जानती है, ये जानता है जन जन और उसका हर मन आपकी पवित्रता, लेकिन एक भी स्वर अयोध्या में ऐसा पैदा हो जिसमें शक है, संदेह है, कोई भ्रम है, वो कुछ पूछना चाहता है, वो कुछ सत्यापन चाहता है, वो कोई आचरण की चरित्र की परीक्षा लेना चाहता है, क्या करें। और सीता कहती है कि मैं तो जिस दिन परीक्षा देना चाहूंगी कि मैं क्या हूं, तब धरती और अंबर मेरे साथ होंगे स्वामी, ये पूरी दिशाएं मेरे साथ होंगी, लेकिन हाँ हम धोबी की आवाज को बंद नहीं कर सकते, धोबी का स्वर नहीं है वो, हमारे लिए कल्याण की कोई आवाज है और आवाम की आवाज का सम्मान करना चाहिए। मैं सगर्भा हूं, पूरे दिन चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ही मां बन जाऊंगी, अयोध्या के लिए शासक पैदा करूंगी, वो जंगल में ही सही, लेकिन धोबी की आवाज का मैं अनादर नहीं करूंगी।